आप देख सकते हैं कितना पतला और ट्रांसपेरेंट शीट बना है। इसमें से आपको मेरा हाथ भी नजर आ रहा होगा। इसे बनाकर आप 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मार्केट में तो ये काफी महंगा मिलता है। घर पे 5 से 10 रुपए में 20 से 25 शीट आसानी से बन जाती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन मानिए बच्चे इसे बहुत ही खुशी से खाएंगे, बार बार आपको ये बनाने के लिए कहेंगे। देखिए इससे जो स्प्रिंग रोल बने हैं कितने क्रिस्पी और कुरकुरे है ना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है। यहाँ पर मैंने मैश किए हुए आलू लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज के आलू थे जिन्हें मैंने उबाल कर फिर इस तरह से मैश किया हुआ है। आप चाहो तो आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसी में हम एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके लिया है, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने उबले हुए मटर लिए हैं। मटर को मैंने हल्का सा बॉईल करके लिया था, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास घर का बना हुआ पनीर भी है, तो ये भी लगभग हम 1/4 कप के इतना ही डालेंगे। तो इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से तोड़कर डालेंगे क्रम्बल करके, क्योंकि घर का बना हुआ है इसलिए ये इस तरह का क्रम्बली है। आप जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास मार्केट वाला है तो उसे आप कद्दूकस करके डालें। आप चाहो तो यहाँ पे चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, और इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच भरकर अमचूर पाउडर डालूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे चाट मसाला या फिर नींबू का जूस भी ले सकते हैं। अब करना कुछ नहीं, बस इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जैसे कि सारा मसाला अच्छे से आलू के अंदर मिक्स हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल आपको स्टफिंग बता रही हूँ, आप इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो भी चीज़ें आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हरे मटर लिए हैं। अभी पता है मुझे कि मटर का सीजन नहीं है, तो मैं अक्सर क्या ना जो सीजन में मटर मिलते हैं ना उसे लाकर स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अगर आपके पास मटर नहीं, कोई बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे काजू ले सकते हैं या फिर जो मूंगफली होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया लगता है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब फटाफट रोल के लिए हम पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो पट्टियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, और सबसे पहले हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, बट जो नॉर्मली मार्केट में पट्टियां मिलती है वो मैदे से ही बनती है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, और यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो पानी हम इसमें 1 कप डालेंगे, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह का विस्कर ले रही हूँ, इससे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें एक तो गुठलियाँ नहीं बनेगी और बैटर जो है एकदम स्मूथ बनेगा। हमें जो यहाँ पे बैटर चाहिए ना वो पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बट ये अभी भी काफ़ी गाढ़ा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने और 1/2 कप पानी लिया है, तो टोटल 1 कप मैदे के लिए हमें यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इस रेशियो को आप ध्यान में रखें। मैं इस मेजरमेंट के कप से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी घर में कोई कटोरी सेट करें और उससे भी आप इन सारी चीज़ों को मेजर करके ले सकते हैं। तो अभी देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी पहले के मुकाबले अभी चेंज हो गई है। पहले काफ़ी गाढ़ा था, बट अब क्या करेंगे ना, इसे हमें छान कर लेना है। तो ये शीट बनाने के लिए बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि छलनी में छोटी छोटी गुठली आपको नजर आ रही होगी, इसीलिए मैंने इसे छान कर लिया था। तो देखिए अब जो बैटर है परफेक्टली बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना स्मूथ बैटर है। अब इसका गाढ़ापन चेक करने का आसान तरीका ये है, देखिए चम्मच को इस तरह से हम उल्टा करेंगे और इसमें इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन आपस में जुड़ नहीं रही है, यानी ये परफेक्ट बैटर है। बैटर बिल्कुल बनके रेडी है, तो बैटर को यहाँ पे कुछ भी रेस्ट वेस्ट नहीं कराना है। तो चलिए फटाफट पट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो अभी पैन को मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है, और पैन में यहाँ पे मैंने तेल बटर कुछ भी नहीं लगाया है। तो अब क्या करेंगे, 1 चम्मच भर कर इस तरह से हम बैटर को डालेंगे। इस तरह की पट्टी बनाने के लिए आपको यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हल्का हल्का पैन को इस तरह से रोटेट करेंगे, इससे क्या होगा जो बैटर है इवनली पूरे पैन में लग जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी कहीं भी गैप नहीं, पूरे बैटर ने पैन को अच्छे से कोट कर लिया है।
तो सेम बाउल में हम जो एक्स्ट्रा एक्सेस बैटर है उसे निकाल लेते हैं। जितना हो सके उतना इसे पतला रखने की कोशिश करें। अब इसे पकाने की बारी है, तो इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखेंगे, यानी डायरेक्ट आँच पे नहीं रखेंगे। आँच पे ना मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने लगभग 1.5 लीटर पानी को गर्म करने रखा था, और आप देख सकते हैं कि पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी गर्म होना ज़रूरी है, मतलब उबलता हुआ पानी हमें चाहिए। तो पैन को अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे ना भाप में पकाएंगे, और इसे बिल्कुल ढकना वकना कुछ नहीं, खुले में ही रखना है। हार्डली एक शीट बनने के लिए आपको 45 सेकंड लगेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक रखी तो उसे पकने में ज़्यादा भी वक्त लगेगा, तो जितना पतला हो सके उतना ही रखना है। जैसे जैसे पकता जाएगा आप देखोगे कि ये ना बिल्कुल और ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। यहाँ पे दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए मैंने जो कढ़ाई इस्तेमाल की है वो उसके ऊपर जो पैन रखा है पूरा उसने कवर किया हुआ है, बट कोशिश करके जो स्टीम है ना वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो पट्टी है वो अब अच्छे से ड्राई होने लगी है, और हल्का हल्का आप साइड से भी देख सकते हैं ये अपने आप ही छोड़ने लगा है, यानी ये पक गया है। तो ये जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए, पूरी तरह से पक जाए, तभी हम क्या करेंगे, पैन को आप उतार लेंगे। और आँच को आप धीमा कर दीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि पानी खोलता ही रहेगा। इस तरह से हल्के हाथों से इसे पकड़ेंगे और धीरे 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 ये मतलब अपने तरफ खींचते जाना है। जैसे जैसे आप इसे खींचोगे ये पैन को छोड़ता जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे उतार रही हूँ, और देखिए कितनी पतली पट्टियाँ बनी है। इसे एकदम प्यार से डेलिकेट से आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही पतली है, एकदम पेपर की तरह। और अब क्या करेंगे, इसे हमें एक थाली पे निकाल लेना है। तो थाली को ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया था, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम पट्टियाँ बनाएंगे इसी के ऊपर रखते जाएंगे तो पट्टियाँ एक दूसरे से चिपके नहीं। चलिए अब दूसरी पट्टी पे बना लेते हैं इसी तरह से। तो सेम पैन को मैंने अभी गैस पे नहीं चढ़ाया है, नीचे ही है। इस तरह से बैटर डालेंगे, इस तरह से पैन को आराम से रोटेट कर लेंगे। पूरी तरह से जब पैन कोट हो जाएगा, जो भी एक्सेस बैटर है सेम बाउल में निकाल लेते हैं, और फिर से इसे गर्म पानी के ऊपर रखेंगे। आज को जो है हाई फ्लेम पे करेंगे और एक 45 सेकंड के लिए इसे फिर से पकने देते हैं। देखिए ये भी अच्छे से पक चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है और किनारों से अपने आप ही छूटने लगा है। तो इसे फिर से निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसे ठंडा वंडा नहीं करना है, जब गर्म होता है ना तभी इसे निकालना है। बिल्कुल इसका वेट नहीं करना है ठंडा होने का, गर्म गर्म रहेगा तभी आराम से छूट जाएगा। तो इसे हम पहले वाली पट्टी के ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर से फिर से तेल लगाते हैं। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ जो है रेडी कर लेंगे। और जब भी आप पट्टियाँ रखो उसके ऊपर तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी रेडी है, यहाँ पे हमारी पट्टियाँ भी रेडी है। मैं आपको पट्टी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए इसे तेल लगाया था और इसलिए ये आपस में चिपके नहीं है, ये आसानी से निकल के आ रहे हैं। एक कप मैदे में 20 से 25 पतली पतली पट्टियाँ बन के रेडी हो जाती है। देखिए कितनी पतली पतली पट्टियाँ बनी है, और मेरा हाथ भी इसमें से अच्छे से नजर आ रहा है, क्योंकि जितना पतला रहेगा उतना ही आपका रोल क्रिस्पी बनेगा। तो रोल बनाने से पहले इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे एक बैटर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और 1/4 कप पानी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें कोई भी गुठली नहीं चाहिए, और दूसरा ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ये हल्का गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ग्लू का काम करने वाला है, यानी इसी से हम जो हमारे रोल है इन्हें अच्छे से चिपकाने वाले हैं। तो देखिए इसे मैंने बना के रेडी कर लिया, सारी चीज़ें रेडी है यहाँ पे। चलिए फटाफट रोल बनाना शुरू करते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतली सी जो रोटी हमने बनाई थी वो ली है पट्टी। अब इसे स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका, आप इस तरह से सारी पट्टियाँ बना लो, उसके बाद कोई भी ना एक गीला कपड़ा लीजिएगा, उसको अच्छे से निचोड़ के ले लीजिएगा, उसमें ये सारी पट्टियाँ रखें। कोई भी जो जिपलॉक बैग होता है या कोई एयरटाइट कंटेनर होगा ना डिब्बा, उसमें रख कर इसे फ्रीजर में रखें। फ्रीजर में यानी कि जहाँ पे बर्फ जमता है, 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये। जब भी आपको बनाना होगा आप फ्रीजर से निकाले और 10-15 मिनट के बाद फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आगे का हिस्सा है ना वहाँ पे जो हमने ये ग्लू बनाया है ना मैदे का, ये इसे लगा देंगे। पूरी तरह से नहीं लगाना है, बस किनारों पे थोड़ा लगाना है, और उसके बाद इसे टाइटली हम रोल करते जाएंगे इस तरह से। और जो ग्लू हमने लगाया इसके वजह से ये आसानी से चिपक जाता है, ये देखिए। इसी तरह से हम सारे रोल रेडी कर लेते हैं। ये रोल भी आप बना कर स्टोर करके रख सकते हैं। सारे जब भी रोल आप एक ही बार मेहनत कर लीजिएगा सारे रोल बना के, इस तरह से ना कोई भी जो जिपलॉक बैग होता है ना, अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो नॉर्मल जो भी डिब्बा है उसमें रख कर इसे भी आपको फ्रीजर में स्टोर करना है, यानी कि जहाँ पे बर्फ बनता है। इससे क्या होगा, ये खराब नहीं होगा और 2 हफ्ते तक आराम से रहेगा। मार्केट में ऐसे भी आपने देखा होगा कि फ्रोजन रोल मिलता है, वो इसी तरह से स्टोर किया जाता है। तो ये घर का बना हुआ रोल रहेगा, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 6 रेडी कर लिए हैं, यानी कि मैंने एक बैच रेडी कर लिया है, और बाकी सारी पट्टियों को मैंने फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल 6 को ही फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं।
फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने तेल को गर्म करने रखा है। अब इसे फ्राई करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए साइड से ये ऐसे भी निकलेगा नहीं, बट फिर भी सेफ एंड साइड के लिए क्या करेंगे, इसके जो दोनों साइड के एजेस हैं इन्हें हम जो हमने ग्लू बनाया था ना उसमें हल्का हल्का इस तरह से डिप करेंगे और फिर हम इन्हें तेल में छोड़ते जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर ये किनारों से अच्छे से बंद भी नहीं होगा ना तो इसके अंदर की स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, किनारे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ऊपर की कोटिंग अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते उसे फ्राई करना है जिससे कि इवनली कलर आ जाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसे मैंने फ्राई कर लिया है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए ऊपर की जो लेयर है कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी लग रही है ना दिखने में ही। तो चलिए इसी तरह से बाकी के जो है उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है मैं आपको यहाँ पे जो हमने फ्राई किया पहला बैच वो दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्टली फ्राई हुआ है, कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है, ऊपर की कोटिंग भी अच्छे से क्रिस्पी हो गई। मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ, देखिए। तो यहाँ पे हमारे जो सारे रोल थे वो फ्राई करके मैंने रेडी कर लिए हैं और मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे लग रहे हैं। ये देखिए अंदर से भी एकदम परफेक्टली पक चुके हैं और ऊपर की जो शीट है एकदम क्रिस्पी हो चुकी है और पनीर की वजह से ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन मानिए बच्चे इसे बहुत ही खुशी से खाएंगे, बार बार आपको ये बनाने के लिए कहेंगे। आप इसे सॉस के साथ सर्व करें या फिर चटनी के साथ सर्व करें, जैसे आपको पसंद है, बट इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।